नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना पहल शुक्ला। सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने नेतन्याहू से लेकर बाइडेन तक सबको डरा दिया है। इसराइल के एक कमांडर ने एक तरह से ऐसी बात कबूल कर ली कि अमेरिका भी इसराइल से कहने लगा है कि अब तुमसे ना हो पाएगा। हमास के खिलाफ इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। गाजा के अंदर युद्ध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब जान हमास की जाएगी या फिर इजराइल की सेना की, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जान जरूर जाएगी, इसकी गारंटी 100% है। ये गाजा में क्लोज क्वार्टर बैटल का वीडियो है, यानी कमरों में लड़ा जाने वाला बहुत करीबी युद्ध। इसराइल के कमांडो इस इमारत में एक एक कमरे को खंगाल रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। किसकी गोली किसे लगेगी, डर बहुत ज्यादा है। यह गाजा के युद्ध की सबसे खतरनाक पिक्चर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गाजा में युद्ध अगले 2 महीने तक खत्म नहीं होने वाला, यानी जनवरी और फरवरी के बाद हमास मार्च में भी जिंदा रहेगा, इस बार की पूरी गारंटी दी जा रही है। ये रिपोर्ट इजराइल की सेना के ही एक अधिकारी ने दी है। सवाल है कि 5 महीने युद्ध चला तो क्या हमास बचेगा या इजराइल? इसराइल की सेना को दक्षिण में सिर्फ खान यूनुस इलाके में अपना ऑपरेशन पूरा करने में 4 हफ्तों का वक्त लग सकता है, यानी 1 महीना या कहें पूरा दिसंबर और जनवरी इसराइल की सेना खान यूनुस में लड़ती रहेगी। इसके बाद हमास के खिलाफ पहली स्टेज का युद्ध लड़ने में 1 महीने का वक्त और लगेगा, यानी फरवरी के बाद मार्च में भी युद्ध जारी रहेगा। इसराइल और पश्चिमी देशों की मीडिया को यह बात इसराइली सेना के एक बड़े अधिकारी ने बताई है। उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के बावजूद इसराइल की सेना को गलियों में युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अब दक्षिण में खान यूनुस की गलियों में जंग जारी है और यहां का युद्ध तो और भी खतरनाक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर समझिए कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। ये युद्ध 7 जनवरी तक भी चलेगा, ये युद्ध 7 फरवरी को भी होता रहेगा और इसके बाद ये युद्ध 7 मार्च को खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी इजराइल और हमास की जंग 5 महीनों से आगे जाएगी। अब इजराइल की सेना के अधिकारी ये बात बता रहे हैं, इसराइल को इसी बात का डर है कि अगर मार्च तक हमास जिंदा रहा तो उसकी बहुत आधुनिक मानी जाने वाली सेना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले ही 2 महीनों के अंदर इसराइल और हमास के युद्ध में बहुत ही खतरनाक टक्कर देखने को मिली है। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इसराइल की सेना की नींद उड़ा दी है, इसमें कोई शक नहीं। बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद इसराइल हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा, ये सब जानते थे। इसराइल ऐसी हर कोशिश करेगा जिसकी वजह से हमास के पास ना बचने का रास्ता हो ना भागने का। लेकिन अब जो टक्कर देखने को मिल रही है उसमें हमास के एंटी टैंक दस्तों ने गाजा के हर चौक हर गलियों में इसराइल की सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल की सेना अपना टैंक किस गली में ले जाए और किस में नहीं, और किस गली में जाकर उस पर हमला नहीं होगा, ये गारंटी कोई नहीं दे रहा। हमास की एक बॉडी कैमरा फुटेज इसराइल को मिली है और इसमें हमास के एंटी टैंक दस्तों को बिल्डिंग में छिपे हुए देखा जा सकता है। जिस जगह पर यह दस्ता छुपकर इसराइल पर हमले की फिराक में था वहीं पर इसराइल ने हवाई हमला कर डाला। जाहिर है ऐसे धमाके में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। वैसे गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इसराइल के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। इसराइल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं।
लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इसराइल को माना जाता है उसके मुताबिक नतीजे तो इसराइल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवि को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। अब जैसा युद्ध चल रहा है उसे देखकर लगता है कि इसराइल को बाकी बंधकों को लेकर ज्यादा फिक्र नहीं है। ऐसे में आगे की लड़ाई और भी खतरनाक होगी। अब इसराइल के ऊपर बंधकों वाला प्रेशर भी पहले के मुकाबले काफी कम देखा जा रहा है, इसलिए इसराइल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है। 2 महीनों के युद्ध के बाद इसराइल की सेना ने जो टारगेट तय किए उसमें से कितने पूरे हुए, इस पर नेतन्याहू की पैनी नजर है। 2 महीने के युद्ध के बाद इसराइल को क्या हासिल हुआ? गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। 18,000 लोग इसराइल की बमबारी में मर चुके हैं, लेकिन इसराइल पर रॉकेट अब भी दागे जा रहे हैं। गाजा पर हमास का कंट्रोल बाकी है। हिजबुल्ला के साथ इसराइल का उत्तरी बॉर्डर यानी लेबनन का फ्रंट अब भी एक्टिव है। अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, लेकिन सीधा इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो यूक्रेन में भी एक्टिव है। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर रहे हैं और इन सबके बीच हमास अब भी जिंदा है, यानी जिसे इसराइल पूरी तरह से खत्म करना चाहता है वो अब भी इसराइल से लड़ रहा है। It remains imperative that Israel put a premium on civilian protection, and there does remain a gap between exactly what I said when I was there, the intent to protect civilians, and the actual results that we're seeing on the ground. इसराइल की सेना दावा कर रही है कि वो गाजा में हमास को चारों तरफ से घेर रही है, इसलिए ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। लेकिन गाजा से कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जैसे लगता है कि इसराइल की सेना गाजा में बुरी तरह से घिर चुकी है। ये वीडियो हमास के टनल वाले दस्ते ने तैयार किया है, जहां इसराइल की सेना ने कैंप लगाया हुआ है वहां हमास के लड़ाकू दस्ते चुपके से जमीन से निकलकर उन पर नजर रख रहे हैं। ये इसराइल को डराने वाला वीडियो है। हमास की नजर इसराइल के एक एक फौजी पर है। इसराइल को टक्कर देने के लिए हमास ने एक नया वीडियो रिलीज किया है। यहां हमास के रॉकेट दस्तों ने अपने ठिकानों को उजागर करके दिखाया है कि उसके पास इसराइल पर हमले के लिए कौन सा नया हथियार है। ये M-19 रॉकेट है जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। हमास ने कहा है कि वो इस रॉकेट से अब इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला करेगा। ये रॉकेट और इसको दागने वाला मल्टी लॉन्चर ये गाजा का ही कोई हिस्सा है। सवाल है कि क्या ये जगह अब तक इसराइल और अमेरिका की सैटेलाइट की नजर में नहीं आई, ना ही इसराइल और अमेरिका के ड्रोन इसे देख पाए। मुमकिन है ये पुराना वीडियो है और अब हमास ने इसे जारी करके सिर्फ इसराइल में डर पैदा करने की कोशिश की है। गाजा के अलावा इसराइल के लिए उत्तरी बॉर्डर बड़ा खतरा बन चुका है। ये लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की बड़ी पोस्ट है और यहाँ हिजबुल्ला ने एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और फिर देखिए क्या हुआ। पहले धमाका, फिर पोस्ट का बड़ा हिस्सा ढह जाता है और आग लग जाती है। हिजबुल्ला की तरफ से ऐसे खतरनाक हमले इसराइल की सेना लगातार झेल रही है। जब इसके बारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उनका जवाब भी गौर करने वाला है। सैनिकों के बीच इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. हिजबुल्ला हो, हूथी हो या फिर हमास, इसराइल के लिए खतरा साफ है और बहुत बड़ा है। हमास अगर मार्च तक जिंदा रहा तो यह युद्ध पलट सकता है। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। उनके सामने दबाव बहुत ज्यादा है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी से जल्दी बंधकों को छुड़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमास को खत्म करने का ऐलान किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इसराइल और नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा डर है कि अब मार्च तक हमास जिंदा रहेगा। ये बात इसराइल की सेना अपनी रिपोर्ट में कह रही है।
हमास का गुनाह ही इतना बड़ा है कि इज़राइल ने उसे पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में जिसने हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है। गाजा जलता हुआ कुआं बन चुका है, जो गिरेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल को जिसने भी अब तक रोकने की कोशिश की उसको नेतन्याहू ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बंधकों को छुड़ाने के लिए सीज फायर तो कर दिया गया, लेकिन एक बात साफ है कि अब तक इज़राइल के सामने सब फेल हो चुके हैं। इज़राइल के आगे ईरान फेल हो चुका है, इज़राइल के आगे हमास से लेकर हिजबुल्ला और यमन के हूथी भी नाकाम रहे हैं। इज़राइल के सामने सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर ताला लगा है। अरब देश पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इज़राइल के खिलाफ रूस भी फेल हो गया और इज़राइल ने अमेरिका को भी बता दिया कि वो इज़राइल से है, इज़राइल उससे नहीं, यानी अमेरिका भी फेल है। नेतन्याहू अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर तबाही मचाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी इस बात का एहसास दिला दिया है। कि हमास को खत्म करने तक बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हमास की मौत 100% पक्की है, ये नेतन्याहू की गारंटी है। उत्तरी गाजा के अस्पताल इजरायली बमबारी के सबूत बने तो दक्षिण में खान यूनस के रिहायशी इलाके इस बमबारी के सबूत बन रहे हैं। यहां बम गिरा तो 10 लोग फौरन मारे गए, कई घायल हो गए। तबाही की ऐसी तस्वीरें हर जगह दिखी। गाजा में बमबारी रोके इसके लिए इजरायल पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसका असर शून्य है। इजरायल को अमेरिका से मिल रही मदद इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो फिर से सीज फायर की कोशिश के आगे दीवार बन चुका है। अमेरिका ऐसी बमबारी रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर चुका है। هذا الأسلحة وهذه الصواريخ كلها صنعت في أمريكا وفي دول العالم الغربية ويدعموا إسرائيل من أجل القضاء على الشباب والأطفال والنساء والشيوخ حسبنا الله ونعم الوكيل. أمريكا لما اتخذت عدم وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة وفي كل مكان يدعو لوقف إطلاق النار، أمريكا هي التي توقف هذا، تحط حق الفيتو ضد هذا الشعب الذي يموت 24 ساعة قصف ليل ونهار لا يتوقف بالأسلحة الأمريكية. हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को 15,000 बंकर बस्टर बम भेजे हैं। गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इसराइल को 57,000 तोप के गोले सप्लाई किए हैं। एक तरह से बाइडन मौत बांट रहे हैं, ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म हो, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि सीज फायर हो। अमेरिका इसराइल को लगातार बम भेज रहा है और इसराइल गाजा पर लगातार बमबारी भी कर रहा है, लेकिन 2 महीनों के बाद भी ये युद्ध जारी है और हमास जिंदा है। सवाल है कि क्या हमास के पास इतनी बड़ी ताकत है और क्या इसराइल इतना कमजोर है कि वो मार्च तक हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में युद्ध को लेकर सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। 16 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले और इस दौरान खिलाफ में सिर्फ एक वोट पड़ा, लेकिन इस एक वोट ने इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की बातों पर विराम लगा दिया, क्योंकि ये एक वोट नहीं वीटो था, वो भी अमेरिका का। अमेरिका नहीं चाहता कि इस वक्त इसराइल युद्ध में सीज फायर हो। यही अमेरिका पिछली बार हुए सीज फायर पर अपनी पीठ थपथपा रहा था। खाजा अभी और जलेगा। इज़राइल अभी और हमले करेगा। फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला अभी लंबा चलेगा।
युद्ध को जारी रखने का फैसला इजराइल का नहीं है, हमास तो चाहता है जल्दी से जल्दी युद्ध विराम। किसने किया इजराइल युद्ध को लंबा खींचने का ऐलान? हमास के अंतिम लड़ाके के मारे जाने तक जारी रहेगा युद्ध। यूएन में आया युद्ध विराम का प्रस्ताव। अमेरिका ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर कर दिया वीटो, मतलब यूएन में गिर गया प्रस्ताव। The United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. गाजा में जारी रहेगा रक्तपात। फिर सामने आया अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। टारगेट हमास के बहाने ईरान को ठिकाने लगा। Birleşmiş Milletler'in bu aciz ve işlevsiz yapısının da tüm dünyada sorgulanacağına inanıyoruz. Bakın çok açık söylüyorum. Gazze'den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemez. वॉशिंगटन डीसी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक 8 अक्टूबर से लेकर अब तक कितने विमानों ने उड़ान भरे हैं कोई गिनती नहीं है। कितने असलहे अमेरिका ने इजराइल को सप्लाई किए हैं किसी भी एजेंसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये हथियार, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ये लड़ाकू विमान इजराइल ने हमास के अंत के लिए ही इजराइल को भेजा है। लिहाजा यूएन में जब इजराइल युद्ध के युद्ध विराम का प्रस्ताव टेबल हुआ तो अमेरिका ने वीटो कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे। ये वही अमेरिका है जिसने पिछले बार के युद्ध विराम में अहम रोल निभाया था। लेकिन अब जो बाइडन को गाजा में शांति नहीं, खून का बहना पसंद है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। पहले युद्ध विराम प्रस्ताव की डिटेल देख लीजिए। यूएन में युद्ध विराम के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े, इसके विरोध में एक वोट यानी अमेरिका का वीटो था। यूके ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था। अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, बाकायदा इसकी दलील भी दी गई। कहा गया कि युद्ध रोकने का ये ठीक वक्त नहीं है। आपको आगे दिखाएंगे कि खुद अमेरिका में इजराइल युद्ध को लेकर देश की जनता की क्या राय है। कितने प्रतिशत अमेरिकी चाहते हैं इजराइल युद्ध और कितने प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं हमास को युद्ध के लिए जिम्मेदार। उससे पहले सुनिए अमेरिका का वीटो वाला तर्क। रॉबर्ट ए वुड संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत और उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। The United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अमेरिका हमास के अंत तक युद्ध वाले नेतन्याहू के बयान के साथ अपनी सहमति जता रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास को अमेरिका सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, ताकि ईरान से ठीक से निपटा जा सके। युद्ध के लंबा खींचने से अमेरिका को क्या हासिल होगा, इसे 5 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इजराइल की इच्छा है कि वो हमास के आखिरी आतंकी के मारे जाने तक युद्ध जारी रहे, अमेरिका दोस्ती निभा रहा। दूसरा, अमेरिका हमास के खात्मे के साथ खाड़ी में मैसेज देना चाहता है कि इजराइल या उसके खिलाफ हमलावर का अंत ऐसे ही होगा। तीसरा, युद्ध लंबा खींचेगा तो यमन के हूथी और लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अमेरिका को एक्शन लेने का मौका मिलेगा। चौथा, अमेरिका को ईरान को निपटाना है और युद्ध जारी रहने की सूरत में ऐसे मौके जरूर आ सकते हैं। पांचवा, अमेरिका चीन और रूस को बताना चाहता है कि खाड़ी में अब भी उसका परचम सबसे ऊपर है। जो बाइडन की नीतियां लंबे युद्ध के पक्ष में है,
यूक्रेन में भी नेटो का नेतृत्व कर रहे अमेरिका की यही ख्वाहिश है। ज़ेलेंस्की को इतने हथियार दिए जाएं कि पुतिन उन्हें परास्त नहीं कर सके, लेकिन इतने भी नहीं दिए जाएं कि पुतिन परमाणु बम जैसे विकल्प पर विचार करें। मतलब युद्ध चलता रहे और अमेरिका का हित पलता रहे। लेकिन यहां समस्या यह है कि हमास यूक्रेन की तरह ना ही बड़ा है, ना वैसा हथियार संपन्न है, ना ही उसके पास इतने लड़ाके हैं। हालांकि अमेरिका ने इसका भी उपाय सोच रखा होगा। यहां तक कि अमेरिका ने युद्ध के बाद गाजा के साथ क्या किया जाए इसका प्लान भी बना रखा है। लेकिन इसकी डिटेल थोड़ा आगे। इसराइल के हमले में अब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक गाजा जर्रा जर्रा तबाह हो रहा है। 40 से 45 किलोमीटर लंबी और महज 6 से 10 फीट चौड़ी गाजा पट्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पूरा शहर मलबे के नीचे आखिरी सांसें गिन रहा है। लोग पलायन कर गए हैं और जो बचे हैं वो अगले सेकंड बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तबाही की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसराइल युद्ध चाहे जितना लंबा खींचे, यूक्रेन युद्ध की तरह वर्ष का दरिया नहीं पार कर सकता। ईरान के युद्ध मैदान में उतरने से इनकार करने, सऊदी अरब का ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करने के लिए कहना और हमास के लड़ाकों के इस वक्त हालात बता रहे हैं कि बहुत जल्द गाजा इसराइल के कब्जे में होगा। लेकिन तब इसराइल गाजा में कैसा बर्ताव करेगा ये जान लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि युद्ध के बाद क्या है अमेरिका का गाजा के लिए सबसे लेटेस्ट प्लान। इसराइल में सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि फिलिस्तीनी लोग भी रहते हैं जिनकी आबादी कुल आबादी की 20% है। लेकिन यहूदियों की तरह यहाँ फिलिस्तीनियों को अधिकार हासिल नहीं है। जैसे इसराइल में लॉ ऑफ रिटर्न एक कानून है। इस कानून के मुताबिक दुनिया के किसी भी कोने में बसा यहूदी इसराइल में आकर बस सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को यह हक हासिल नहीं है। नेतन्याहू की सरकार फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नए कानून भी बनाने जा रही है जो उन्हें यहूदियों की तुलना में बहुत कम अधिकार देंगे। बेनियामिन नेतन्याहू अपना फैसला सुना चुके हैं कि हमास के अंत के बाद गाजा पर इसराइल का अधिकार होगा। लेकिन गाजा में शासन किस तरह से चलेगा, यहां की जनता का क्या होगा, इसराइल ने कुछ नहीं बताया। मतलब युद्ध की तबाही के बाद शांति और शांति में भी गाजा की बर्बादी चलती रहेगी। सवाल है तो फिर गाजा के दुखों का अंत कब होगा? फिलहाल तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो शांति दूत का काम कर सकते थे जैसे ईरान, सऊदी अरब या कतर या तुर्की या अमेरिका या फिर चीन या फिर रूस, सबको चिंता गाजा के जलने की नहीं, उसे बचाने की नहीं, युद्ध की आग में हाथ सेकने की है। मतलब खुद के स्वार्थ की पूर्ति करने की चिंता है। कहा जा रहा है कि गाजा पर इसराइल के कब्जे के प्लान से अमेरिका सहमत नहीं है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास अमेरिकी युद्ध के बाद गाजा को लेकर अपनी अलग प्लानिंग कर रहा है। यह प्लानिंग क्या है जाने, उसके पहले इसराइल के गाजा को लेकर मंशा को समझिए। हो सकता है इसराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली करा दे। कुछ समय पहले इसराइल मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने गाजा के 2.2 मिलियन लोगों को वहां से स्थायी तौर पर हटाने के लिए कथित तौर पर एक प्रस्ताव तैयार किया। ये प्रपोजल लीक हो गया। 10 पेज के इस दस्तावेज में कहा गया कि गाजा पट्टी के लोगों को सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट कर दिया जाए। ये मिस्र, इसराइल और गाजा से सटा हुआ बफर जोन है। गाजा पर कंट्रोल के बाद इसराइल को जो करना है करेगा, क्योंकि तब उसका राज होगा। लेकिन ये राज कब तक चलेगा, सवाल उस पर है। गाजा पर इसराइल के चढ़ बैठने के बाद खाड़ी में हालात पहले की तरह कभी नहीं रह जाएंगे। इसराइल की सीमा सीधे सिनाई प्रायद्वीप तक पहुंच जाएगी। हालांकि गाजा पर इसराइल कब्जा कर लेता है तो ऐसा होता है, तो ये पहली बार नहीं होगा। गाजा पर इसराइल पहले भी कब्जा कर चुका है, वहां उसने कई बस्तियां भी बसाई थी। लेकिन 2005 में इसराइल सरकार के इरादे बदल गए, इसराइल ने गाजा छोड़ने का फैसला किया। इसराइल के गाजा से निकले 2 साल भी नहीं बीते थे कि वहां फतह और हमास के बीच संघर्ष छिड़ गया। 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण कर लिया।
तब से लेकर अब तक गाजा से हमास और इसराइल के बीच कभी छिटपुट कभी ज्यादा और अब युद्ध जारी है, जिस युद्ध की नींव 2005 में ही पड़ चुकी थी। इसराइल यहूदियों का देश है और पूरी खाड़ी मुस्लिम सुन्नी और शिया मुसलमानों की है। इसराइल से दुश्मनी मुस्लिम देशों के मूल में है। ईरान जैसे देश तो इसराइल के अस्तित्व को ही सिरे से नकार देते हैं। अरब देश मानते हैं कि मुस्लिम देशों की जमीन पर इसराइल को बने रहने का कोई हक नहीं। असली दिक्कत यही है और गाजा पर इसराइल के कब्जे के बावजूद ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस समस्या से ईरान को फायदा है, इसराइल को तंग करता रहेगा, अमेरिका को फायदा है, खाड़ी में वर्चस्व बना रहेगा, चीन और रूस को फायदा है, पूंछ बनी रहेगी। इस बीच गाजा जल रहा है और चलता रहेगा। हमास और इसराइल के युद्ध का असर अब यूक्रेन पर पड़ने लगा है। इसराइल की सेना ने हमास को खत्म करने के लिए जो तरीका अपनाया है वो अब वैसे ही खतरनाक दस्ते यूक्रेन की सेना में काम करने लगे हैं। इस रणनीति ने पहले ही वार में पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। टारगेट सेट किया, दुश्मन बहुत दूर है और फिर होता है फायर। गाजा और इसराइल के युद्ध के बीच यूक्रेन में अब ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि जान बचाना मुश्किल है। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और अब यूक्रेन के एक हिटमैन ने रूस की पोस्ट पर ऐसा हमला किया है कि खतरा पुतिन को भी साफ साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एक स्नाइपर यानी लंबी दूरी से टारगेट करने वाले शूटर ने करीब 4 किलोमीटर दूर से रूस के एक सैनिक को मार डाला। यह स्नाइपर अटैक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जा रहा है। यूक्रेन के स्नाइपर ने 3,800 मीटर दूर से रूस के फौजी को एक गोली मारकर खत्म कर दिया। 3,800 मीटर यानी 12,467 फीट। यूक्रेन के स्नाइपर का यह हिट सबसे लंबी दूरी का क्लीन शॉट कहा जा रहा है। करीब 12,500 फीट दूर खड़े दुश्मन को मार गिराना अब तक ऐसा किसी राइफल से नहीं किया गया है। यूक्रेन के स्नाइपर ने हॉरिजन लॉर्ड नाम की राइफल का इस्तेमाल किया। अब तक इस राइफल से 8,000 फीट का टारगेट मारने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के स्नाइपर ने इस राइफल से 12,500 फीट का रिकॉर्ड बना दिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस वक्त कई ऐसे मोर्चे हैं जहां का फैसला स्नाइपर का युद्ध कर रहा है। इस सैनिक का नाम क्या है ये नहीं बताया गया, पहचान गुप्त रखी गई। रूस की फौज के बीच में अब स्नाइपर को घोस्ट ऑफ यूक्रेन कहा जा रहा है। इस स्नाइपर ने कैसे मौत के घाट उतारने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस पर अमेरिका से लेकर इसराइल और ईरान से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक सबकी नजर है। यूक्रेन के इस स्नाइपर ने 12,467 फीट की दूरी पर टारगेट को खत्म किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कनाडा के स्नाइपर के पास था, जिसने 2017 में इराक में 11,319 फीट पर टारगेट को हिट किया था। 2022 में यूक्रेन के ही एक और स्नाइपर ने 8,819 फीट पर एक टारगेट को खत्म कर दिया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान में ब्रिटेन के स्नाइपर ने बनाया था। उस स्नाइपर ने 8,120 फीट पर तालिबान के एक आतंकी को मार गिराया था। 2002 में सबसे पहले अफगानिस्तान में ही कनाडा के स्नाइपर ने 7,972 फीट की दूरी पर तालिबान पर अटैक करके बड़ा नाम किया था। लेकिन अब यह रिकॉर्ड यूक्रेन के सैनिक के पास है और उसकी तारीफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तक कर रहे हैं, क्योंकि रूस पर ऐसे हमले से यूक्रेन की सेना का जोश हाई करना है और ज़ेलेंस्की को ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який
виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. जब स्नाइपर फायर आता है, यानी स्नाइपर गोली चलती है, तो वो गोली कहां से आएगी, गोली किससे टारगेट करेगी, इसके बारे में स्नाइपर के अलावा कोई नहीं जानता। एक स्नाइपर अक्सर दो सैनिकों की टीम में काम करता है, एक टारगेट को तलाश करके उसे ट्रैक करता है। हालांकि स्नाइपर अकेले भी ऑपरेट करते हैं। ये स्नाइपर तीन और तरह की राइफल इस्तेमाल कर रहा है। एक है अमेरिका की बनी बैरेट M107 जो 4 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकती है, जबकि दूसरी राइफल है यूक्रेन की ही बनी UAR-10, इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर तक है। तीसरी राइफल है स्नाइपेक्स एलिगेटर, इसकी रेंज है 2 किलोमीटर। इस लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन के स्नाइपर ने बड़ा कमाल करके दिखाया है, क्योंकि उसने 4 किलोमीटर की रेंज में रूस के सैनिक को मार गिराया। युद्ध में इस फासले तक गोली को सही निशाने पर पहुंचाना बहुत मुश्किल माना जाता है, और यह घोस्ट ऑफ यूक्रेन ने करके दिखा दिया है। ऐसा नहीं कि लंबी रेंज की राइफल से लैस स्नाइपर का युद्ध आसान होता है, कई मायनों में ये आम सैनिकों से भी खतरनाक लड़ाई लड़ने का तरीका होता है, और यूक्रेन के स्नाइपर ने ये करके दिखा दिया है। Большое чудо, что до сих пор живы. Там, где мы были, откуда мы выходили, на самом деле долго не живут. То есть там все это на удачу. Ты можешь в любой момент где угодно оказаться. Даже вот мы сейчас здесь проживаем в поселках, вражеская авиация постоянно скидывает на нас тяжелые ракеты. То есть там у нас дом и есть подвал, где теоретически можно от обстрела спрятаться, но воронки, которые от ракеты остаются, они глубже этого подвала. Снайпер, райфл се душман ко мар гирана, ये एक तरह की आर्ट कही जाती है, यानी कला। कई बार तो ऐसा होता है कि एक टारगेट को हिट करने के लिए एक ही पोजीशन पर 16 घंटे जमे रहना पड़ता है। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि रूस की सेना को पता ना चल जाए कि यूक्रेन का स्नाइपर घात लगाकर बैठा हुआ है। युद्ध में ऐसे ही हीरो तैयार किए जाते हैं जो बाकी पस्त पड़ी फोर्स का हौसला बढ़ा सके। ये स्नाइपर भी यूक्रेन की इसी कोशिश का हिस्सा नजर आता है। Сами, ну, обороняли город Харьков, сам из Харькова он находился. Ну, попал в подразделение. Поначалу первые 6 месяцев был водителем-стрелком. Но впоследствии, после того, как начинали выезжать на полигоны, заниматься стрельбой, при гражданской жизни никогда раньше не стрелял, вот, то открылся дар, скажем так, высокоточной стрельбе. То есть хорошо достаточно давалась стрельба, развитый глазомер. Вот, ну, с оружием было тяжело в начале войны со снайперскими винтовками. Впоследствии приобрел свое собственное личное оружие. Были инструктора, которые помогали учиться стрелять. И в основном занимался. यूक्रेन का इस युद्ध में एक बड़ा मकसद रहा है कि कैसे स्नाइपर अटैक के जरिए रूस के बड़े बड़े कमांडरों को खत्म किया जाए। ऐसा यूक्रेन की सेना ने करके भी दिखाया है, क्योंकि रूस के कई जनरल स्नाइपर अटैक में ही खत्म किए गए हैं, और इसकी वजह से पुतिन को भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। जमीन पर यूक्रेन की सेना बहुत ही छुपे हुए हमले कर रही है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल बखमूत का एक स्नाइपर बन चुका है। यूक्रेन के स्नाइपर का खौफ बहुत ज्यादा है। रूस की आर्मी बखमूत में उन बचे खुचे इलाकों में जाने से डर रही है जहां ये स्नाइपर एक्टिव है। ये छुप कर हमला करता है, गिली सूट पहनकर हमला करता है। गिली सूट यानी ऐसा सूट जो आसपास के माहौल में स्नाइपर को छुपाने में मदद करे। यूक्रेन का ये स्नाइपर 113 रशियन सैनिकों की जान ले चुका है। 113 बहुत बड़ा आंकड़ा है, समझिए रूस की सेना की एक पूरी कंपनी इस अकेले स्नाइपर ने खत्म कर दी है। А вообще на самом деле может занять от месяца и до 3. Если ускоренные курсы и в интенсивном режиме, ну это месяц. И это мы научим марксмена. Чтобы обучить снайпера, ну уйдет 2-3 месяца. हालात ये हैं कि इस स्नाइपर को बखमूत का भूत कहा जा रहा है, जो कहां से गोली चलाता है, किसको निशाना बनाता है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस अकेले स्नाइपर ने पूरे बखमूत में मौजूद रूस की फौज को दहशत में डाल दिया है। यूक्रेन का यह स्नाइपर इतना खतरनाक है कि उसने अपनी लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल से 2.5 किलोमीटर के फासले तक रूस के सैनिकों को टारगेट किया है, और ऐसा ही इसने 113 रशियन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
русского, там, скажем так, совершить выстрел и попасть в него там, с расстояния 600-800 метров, ничего. На самом деле, в какой-то момент ты при первом выстреле ты ничего не понимаешь, что произошло, проходит день, до тебя что-то доехало, а потом просто на самом деле ничего не чувствуешь. यूक्रेन में खेरसोन और बखमूत में हजारों ऐसे सैनिक मारे गए हैं जिनको स्नाइपर राइफल से निशाना बनाया गया। ऐसा दोनों तरफ से हुआ है। बखमूत का युद्ध ज़ेलेंस्की के लिए आसान रहा, न पुतिन के लिए। वैगनर के लड़ाकों ने जो शुरुआत में कामयाबी हासिल की, उसके बाद से रूस यहां कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन बखमूत का 10% इलाका अब भी ऐसा बचा हुआ है जहां युद्ध जारी है, और यहीं पर ये स्नाइपर रूस के लिए खतरा बना हुआ है। आखिर एक स्नाइपर की वजह से अपनी एक कंपनी फौज खो देना, ये रूस जैसे देश के लिए बहुत शर्मनाक कहा जाएगा। यूक्रेन की फौज की जिस यूनिट में ये स्नाइपर है, उसका दावा है कि पिछले 9 महीने के युद्ध के दौरान उसने और उसकी यूनिट ने मिलकर रूस के 558 सैनिकों को मार डाला है। 558 सैनिक यानी करीब 1 बटालियन को सिर्फ इसी स्नाइपर और उसकी टीम ने मौत के घाट उतार दिया है। Останній час ми більш працюємо по ночам, тому що в день мало хто вилазить з окопів, а по ночам супротивник приносить їжу якусь, воду для себе, змінюється, тож ми беремо тепловізор, виловлюємо їх і стріляємо в них по ночам. Так, дистанції зазвичай великі, але ми справляємось. Це більше кілометра зазвичай. Кілометр, кілометр 200, кілометр, мабуть, до 1.5 кілометрів. रूस पर सबसे खतरनाक हमले करने वाले स्नाइपर का नाम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि इसकी पहचान गुप्त रखकर ही रूस की सेना में दहशत फैलाई जा रही है। इसीलिए इसे बखमूत का भूत भी कहा जा रहा है। इसकी यूनिट का दावा है कि उसने रूस के कई हाई प्रोफाइल अफसरों को स्नाइपर हमले में ही मार गिराया है। जब भी कोई कर्नल या उससे ऊपर जनरल रैंक तक का अफसर इलाके में होता है तो ये स्नाइपर टीम एक्टिव हो जाती है और उसके करीब पहुंचकर उसे मारने की पूरी कोशिश की जाती है। फिलहाल यूक्रेन और रूस का युद्ध ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जहां कुछ मोर्चों पर फैसला 100 या 200 मीटर पर आमने सामने खड़ी फौज कर रही है। सब जानते हैं जीतेगा वही जो जिंदा रहेगा, और जिंदा रहने के लिए दुश्मन को खत्म करना ही होगा। इसके सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुखदेव सिंह मर्डर केस में अब उनकी 3 पत्नियों ने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। सुखदेव गोगामेडी की 3 पत्नियों ने ऐसे दावे किए कि पुलिस से लेकर समर्थकों तक कि अब हैरानी देखने को मिली है। सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना दावा कर रही हैं कि उनके पास सीसीटीवी वीडियो है जिसमें ऐसे सबूत हैं जो मर्डर के पीछे का सच बता सकते हैं। दूसरी पत्नी ने तो ऐसी बात कह दी कि पुलिस को सिर्फ 72 घंटे में इस केस को सुलझाना होगा, नहीं तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। देर में ही उनके शव का दान संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि यहाँ पर अभी भी देखो लोग जो है वो लगातार हत्यारों की गिरफ्तार करने की और गोली मारने की बात कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर किया जाए। लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सुखदेव गोगामेडी मर्डर, 3 पत्नी, 3 खुलासे। थारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड ने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ। December 5 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को 9 गोलियां मारी गई, जबकि उनके साथ मौजूद नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी थी। सिंह गोगामेडी को न्याय तभी मिलेगा जब उनके हत्यारों को फांसी मिलेगी या उनका एनकाउंटर होगा।
लेकिन अब सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या पर उनकी तीन पत्नियां अलग अलग शक जताकर दावे कर रही हैं। सुखदेव की तीन पत्नियों में से दो पत्नियां खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी हैं, जबकि तीसरी पत्नी पर्दे के पीछे से मर्डर को लेकर कुछ अलग दावे कर रही हैं। पहले आप ये जान लीजिए सुखदेव की तीन पत्नियों के नाम क्या हैं और दूसरे और तीसरे नंबर की पत्नियों के नाम क्या हैं। दावों के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की पहली पत्नी का नाम शकुंतला बेनीवाल है। शकुंतला बेनीवाल गोगा मेढ़ी गांव में रहती है। सुखदेव की पहली पत्नी शकुंतला ने मीडिया से दूरी बना रखी है, तो मर्डर को लेकर कई दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत हैं, जो भादरा में रहती हैं और सुखदेव की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा ठोंक चुकी हैं, जबकि सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है, जो सुखदेव गोगा मेढ़ी के साथ जयपुर में उनके साथ रहती थी, जहां पर सुखदेव की हत्या हुई है। सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी हत्या के पीछे किसी करीबी के हाथ होने पर शक जता रही है। 11 साल से मैं उनके साथ इसी मकान में हूँ और यही हम दोनों साथ में रहते थे। जितना विश्वास उनको मुझ पे था, जितना वक्त उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, कोई नहीं जानता। ये हर चीज का, हर बात का प्रूफ मेरे पास है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान और राजपूत समाज में आक्रोश है। वहीं खुद को गोगा मेढ़ी की दूसरी पत्नी बताने वाली सपना सोनी एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। सपना सोनी का दावा है कि जिस कमरे में जिस वक्त सुखदेव सिंह की हत्या की गई थी, उस वक्त किसी जमीन विवाद को लेकर सुखदेव फोन पर बात कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही सुखदेव मोबाइल पर बात करना शुरू करते हैं, शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दनादन गोलियां सुखदेव और नवीन शेखावत पर चला देते हैं। जबकि जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक तीन शूटर सुखदेव सिंह को मारने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इनमें से एक शूटर, जिसका नाम नवीन शेखावत था, जो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। वहीं सपना का दावा है कि नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आया था। वो शूटर था या नहीं, लेकिन सपना के मुताबिक किसी करीबी ने ही सुखदेव की हत्या करवाई है। वहीं सुखदेव की दूसरी बीवी शीला शेखावत का साफ कहना है कि वो किसी नवीन शेखावत को नहीं जानती थी। आप नवीन शेखावत को लेकर सुखदेव की दूसरी और तीसरी दोनों पत्नियों के बयानों को गौर से सुनिए। तो यहाँ कैमरा है, उनकी सब सीडी मैंने बना के रख रखी है, मुझे सब पता था। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की, ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहाँ से धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, या आज यहाँ से धमकी मिल रही है, मुझे कभी मुझे कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा यही बात बोलते थे। एक बात और इन्होंने मुझे ये और बोला था कि मेरी लाश पे भी लोग राजनीति करेंगे। जो नवीन शेखावत जो लेकर गया था उन लोगों को, शूटरों को, क्या आप जानते हैं उसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती। मैं जयपुर में लगभग 5-10 जने हैं जो रोजाना रूटीन में आते थे, उन्हीं को जानती थी, अदरवाइज नहीं जानती थी। ये नाम मेरे सामने तो पहली बार ही आया है। नहीं, हो सकता है होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो आप ये बताओ ना, घर में घुस गए वो लोग तो कुछ तो था ही, कोई ना कोई कड़ी जुड़ के तो वहां तक पहुंची ही है। ऐसे तो पहुंचने की उनकी हिम्मत भी नहीं थी। खुद को सुखदेव गोगा मेढ़ी की पत्नी बता रही सपना सोनी का दावा है कि गोगा मेढ़ी के जयपुर आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की वही मॉनिटरिंग करती थी। उसके पास तमाम वो रिकॉर्डिंग है जिसमें सुखदेव गोगा मेढ़ी से कौन कब जयपुर आवास पर मिला, किसने क्या धमकी दी। ऐसे में अब सपना सोनी पुलिस के लिए इस केस में जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है। सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही हैं, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही हैं कि वो किसी सपना को नहीं जानती? वहां पर भी उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहां पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहां पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती।
जिस दिन वो तीन बंदे आए थे हथियारे, उस दिन भी मैं चेक मैं करके आई थी, तो सुखदेव जी मुझे बोल के सीढ़ी से नीचे उतर गए, इधर आके बैठ गए, वो तो उनके जो हथियारे आए थे उनके पास वहाँ बैठ गए। मैं मेरे रूम में जाने से पहले मैं गई थी सीसीटीवी कैमरे देखने, चेक करने कि कौन आया है, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने आपको बताया ना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति, वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। सपना सोनी का दावा है कि नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आया था, और उस दिन जब वो शूटरों के साथ पहुंचा था तो पहले फोन पर उसने सुखदेव गोगामेड़ी की किसी से बात करवाई, और फिर सुखदेव गोगामेड़ी जब अपना मैसेज चेक कर रहे थे तब शूटरों ने उसे गोलियों से भून दिया। अब सवाल ये है कि आखिर नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेड़ी की किससे बात करवाई? क्या वो रोहित गोदारा था जिससे बात कराई? ये पुलिस जांच का विषय। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के वक्त अगर तीन पत्नियों की बात करें तो सिर्फ सपना सोनी ही मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने हत्या के बाद हथियारों को भागते हुए देखा था। सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा पर भी सुखदेव की पत्नियों के अलग अलग बयान हैं। शीला शेखावत रोहित गोदारा के बारे में कुछ नहीं जानने का दावा कर रही हैं, जबकि सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी साफ कह रही हैं कि रोहित गोदारा के दावे पर उन्हें शक है, रोहित के अलावा कोई और करीबी हत्या में शामिल हो सकता है। काफ़ी सारे गैंगस्टर जैसे रोहित गोदारा ने अपनी जिम्मेवारी ली है, लगातार वो बयान दे रहा है कि उनके खिलाफ वो रहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस पूरी कांड को अंजाम दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को इस बारे में पता भी नहीं है, और ना ही मैं रोहित भोहित जो भी है इनको नहीं जानती मैं। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो खुद सामने आए हैं, लाइव बिल्कुल सामने आए हैं, तो हो भी सकता है। तो फेसबुक पोस्ट किया उन्होंने, पोस्ट से क्या पता सर कि वो अपने को क्या पता कि वो उनकी प्रोफाइल जो है वो खुद की है, क्या पता किसी और ने बना रखी हो, साजिश भी।